नेताओं का जो आंदोलन है, जो बंदी है, छात्र कर्फ्यू है, उससे आप सहमत हैं? हमने के सब हॉस्पिटल के लेकर वैथु पर परेशान बाद में। हाँ, जो हॉस्पिटल समस्या को लेकर आप भी ग्रसित हैं, मतलब समस्या जो उनकी बंदी है और बंदी का जो मेन मुद्दा है हॉस्पिटल की समस्या, हाँ। उसको लेकर आप सहमत हैं? तो व्यापार आप जबरदस्ती लोगों ने बंद कराया, आप स्वतः बंद किए हैं? ना, ग्राहक भी नहीं है, अपना सुरक्षा से बंद हम लोग किए हैं। अच्छा, अपने सुरक्षा स्वयं बंद किए, कोई बंद नहीं कराया? ना। आपका परिचय, नाम क्या है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, जैसे छात्र नेताओं ने आपकी दुकान बंद कराया या स्वतः बंद कराया? नहीं, स्वयं हम बंद। किसके समर्थन में? जो उनकी मांग है उसके समर्थन में, जो उनकी मांगे हैं उन्हीं के मांग के समर्थन में आपने ऐसा किया है। दोस्तों, अभी जो व्यापारियों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमने जो बंदी मतलब अपने दुकानों को जो बंद किया है, अपने मर्जी से स्वतंत्र रूप से किया है। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया ये कि उनकी जो मांग है जिला अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था से समस्याओं को लेकर, इसमें इनको समर्थन इन लोगों ने किया है कि हम जो व्यवसाय बंद कर रहे हैं, हम उनके आंदोलन का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए लड़ रहे हैं, इनका ही कहना है। वैसे में आज बलिया शहर पूरी तरह से बंद है, सन्नाटे का दृश्य आप देख रहे हैं, जो फुटपाथ पर दुकानें वो भी पूरी तरह बंद है, छोटे बड़े सारे दुकानें बंद पड़े हुए हैं।